दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई गांव में लड़कों की संख्या लड़कियों से ज़्यादा होती है, जिसके कारण लड़कों को शादी के लिए तरसना पड़ता है। लेकिन क्या आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां मर्दों की संख्या ना के बराबर हो और वहां कुंवारी लड़कियां शादी के लिए तरसती हों? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील के एक ऐसे गाँव की जहाँ पर 18 से 30 साल तक की लड़कियों की भरमार है। इस गाँव में लड़कियाँ अधिक होने से यह समस्या पैदा हुई है। जब लड़की की शादी करनी होती है तो ढूंढने से भी लड़के नहीं मिलते। ब्राज़ील के पहाड़ियों के बीच स्थित नोएवा दो कॉर्डेरियो नामक इस कस्बे में खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ रहने वाली लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने के बावजूद आज भी अपने प्यार की तलाश को पूरा नहीं कर पाती। दोस्तों, इस गाँव में 20 से 35 साल की लगभग 600 महिलाएँ रहती हैं। लड़कों की संख्या कम होने की वजह से ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में कुंवारे लड़कों को ढूंढ पाना भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने के जितना कठिन है। यही वजह है कि यहां की लड़कियां ताउम्र कुंवारे लड़कों से शादी करने को तरसती हैं। कुंवारे लड़के ना मिल पाने की वजह से लड़कियों को मजबूरन शादीशुदा लड़कों के साथ अपना जीवन बिताना पड़ता है। जो इसके लिए तैयार नहीं होती उन्हें फिर अपना जीवन बिना शादी के ही व्यतीत करना पड़ता है। कस्बे में रहने वाली लड़कियों का कहना है कि वो भी प्यार और शादी का सपना देखती हैं, लेकिन वो इसके लिए कस्बा नहीं छोड़ना चाहती। वो शादी के बाद भी यहीं रहना चाहती हैं। यहाँ पर एक अजीब परंपरा है जिसमें लड़कों को शादी के बाद इसी गांव में घर जमाई बनकर रहना पड़ता है। आपको बता दें कि महिला इस गाँव में खेती से लेकर सभी काम संभालती हैं। इस गाँव में रहने वाले अधिकतर महिलाओं के पति और 18 साल से अधिक उम्र के बेटे काम के सिलसिले में शहर में चले जाते हैं। इस गांव की नींव मारिया सनोरिया डिलीमा ने रखी थी। जानकारी के अनुसार 1851 में उन्हें अपने घर से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस गांव को बसाया एवं यहां के नियम भी बनाए। यही नियम आज इन महिलाओं के लिए गले की फांस बने हुए हैं।